दहेज के लिए विवाहिता को उसके पति ने बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद पति ने अपनी पत्नी को मायके ला करके छोड़ दिया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर थाने में तहरीर दी। प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बसवाही गांव निवासी राम बहादुर मौर्य ने अपनी बेटी सपना की शादी बीते 2 मई 2019 को शुभम मौर्य पुत्र राम आश्रय निवासी देवापुर थाना मऊआईमा प्रयागराज के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले दहेज में लाखों रुपए के साथ साथ अपाचे बाइक की मांग भी कर रहे थे। दहेज लोभी ससुराल वाले मांगे पूरी ना होने पर सपना को आए दिन प्रताड़ित करते थे। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। इस बीच ससुराल वालों ने शुक्रवार रात सपना की बेरहमी के साथ पिटाई की और रात में लगभग 11 बजे उसके मायके से लगभग 100 मीटर पहले बसवाही गांव में नहर के किनारे उसे बेहोशी की हालत में छोड़ दिया और भाग निकले। जानकारी होने पर पहले मायके वाले उसे घर ले गए, वहाँ जहाँ उसकी हालत ज़्यादा ख़राब देखकर उसे कुंडा के एक नर्सिंग होम ले गए, जहां उसका इलाज किया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे प्रयागराज ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन पैसे की व्यवस्था करने के लिए सपना को लेकर के घर चले गए। परिजन जब तक पैसे की व्यवस्था करते तब तक सपना की सांसें थम गईं, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोने भी लगने लगे। परिजनों की सूचना पर शनिवार को सुबह पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण थाने पर पहुंच गए। ग्राम प्रधान मोहित सिंह के साथ सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे और घटना को लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद सपना के भाई राहुल की तहरीर पर पुलिस ने पति शुभम, सास ससुर और जेठ के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं प्रभारी कोतवाल का कहना है कि घटना मऊआईमा थाना क्षेत्र में हुई है, जांच चल रही है, आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। ना हुई है कल सुबह मेरे जीजा जी मतलब किसी और गांव के कोई किसी लड़के से और मतलब नहर पे लेकर आए और फिर गांव के माध्यम सूचना मिली तो हम वहां गए तो बोले अपनी बहन को ले जाओ, वो बहुत सीरियस थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो बोले अपनी बहन को ले जाओ। तो मैंने बोला ले क्यों जाए, चलो दवा कराओ। मारे तो, पीटे थे क्या उसको? नहीं, हमारे सामने मारे, 4-5 कुछ रखे थे इतना बड़ा सर पर, 3-4 बार मारे, वो पता नहीं क्यों मारे। उसके बाद बोले आपके सामने मारे? हाँ सामने मारे। फिर उसके बाद बोले कि इसको लेकर जाओ, तो मैंने बोला क्यों लेकर जाओ, चलो दवा कराओ। तो बोले कि दवा नहीं, इसको तुम लेकर जाओ। तो बोले हम नहीं ले जाएंगे, तो वहीं गाड़ी के नीचे फेंक दिए। उसके बाद हम तीन लोग गए थे, मैं और हमारे पड़ोसी मैकूलाल, तीन लोग गए, वो फिर बहन को लेकर आए। वो ऐसी थी मतलब बेहोश हो जा रही, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसको मार पीट कर इतना लाए थे वहीं सर। फिर क्या हुआ? और उसके बाद यहाँ ले आए रात में, कल रात में, और आज सुबह 3 बजे जो है वो उसकी मौत हो गई। कहाँ शादी हुई थी? देवापुर। कहाँ है थाना, क्या लगता है? थाना सोराव है, जनपद प्रयागराज। प्रयागराज, हाँ। आपका घर कहाँ है? बसवाही, थाना कुंडा। क्या नाम है आपका? राहुल मौर्य। आपकी बहन थी? हाँ। क्या नाम था उनका? सपना मौर्य। और जिसके साथ शादी हुई थी उसका? शुभम मौर्य। शुभम मौर्य, हाँ। क्या दहेज वहेज की कोई मांग थी? हाँ, या कुछ वो ऐसा था? अपाची गाड़ी के लिए मतलब शुरू से, अपाची गाड़ी और 2 लाख रुपए, हाँ, शुरू से जब शादी हुई तब से मांग रहे हैं, हाँ, और अभी तक मांग रहे थे। उसके बाद जब नहीं हुआ तो बोले कि इसको ले आ, वहाँ ले आकर बस ऐसे ऐसे घटना हुई सब। उसके बाद कल रात में हम ले आए और आज सुबह वो ज़्यादा सीरियस थी, खत्म हो, उसको पहले सिर्फ सांस चल रही थी बस। थाने में आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ दे दिया। खबरों के लगातार अपडेट के लिए रिपोर्टर आनंद के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें।